बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेल डन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर भी सब A1 है। अभी एक आ रही है शादी और शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आप लोग कमेंट्स में बताएं कि किसकी शादी होने वाली है, होने वाली है। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे प्योर्स कैस लाना। और अभी चलते हैं जाके बाजार में, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लेके आनी है। और वो करते हैं, शॉपिंग इतनी खास तो नहीं है, बस एक सूट ही लेना है। चाचा, ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? सीप को मैं साथ लेके जाऊंगा, वो मुझे बताएगा कौन सा कलर मेरे ऊपर सूट करता है, VIP किस्म का, समझ रहे हो ना? क्या बोला तूने? और जो जुगनी की हालत है ना, वो बहुत ज्यादा गंदी हुई है, बारिश के अंदर हमने चलाई है। और जुगनी की कंडीशन है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखना है न्यूट्रल, AC ऑन हुआ है और न्यूट्रल चेक किया। जुगनी का कुछ ये हाल है, ये साइड में आप मिट्टी चेक करें कितनी ज़्यादा, ये चेक करें ये इतनी ज़्यादा मिट्टी है। अभी इसको भी सर्विस करवाना है, लेकिन आज नहीं करवाएंगे। फाइनल अभी मैं आसिफ भाई के ऑफिस में आ चुका हूँ, वो अभी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपको याद कर रहा था कि मैंने कहा अभी जाते हैं ऑफिस में। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अपनी सुनाओ, से तबीयत कैसी है? पार्ट अलग करा, गाड़ी लॉक कर दी अपनी? कर दी जी। तो फिर चलें अभी, अभी दुआ करो कि आगे हमें पार्किंग मिल जाए, पार्किंग का काफी इशू होगा। और आसिफ भाई के पास भी गाड़ी थी, मैंने कहा शायद बाइक लेके आए, तो बाइक भी आगे चलते हैं, बाइक ही इजीली मिल जाता है, अंदर भी लेके जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो आज शाम को क्या प्लान है, फिर आओगे या नहीं आओगे? आज ही आएंगे ना, इंशाल्लाह जी आएंगे। आज शाम को बहुत मज़े का एक इवेंट होने वाला है, और वो किसका होने वाला है वो आपको अगले आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं एक दफ़ा रोड को क्रॉस कर लूँ। मैं A few moments later. फाइनल अभी हमें पार्किंग तो मिल गई है, थोड़ी सी दूर ही है, लेकिन अभी हमने अंदर जाना है। बाबा चकवाल जो छप्पड़ है ना, पहलवान जूस है, उसके साथ करके हसीब भाई कह रहे हैं कि मेरे दोस्त की शॉप है, तो वहाँ पे चलते हैं अभी और देखते हैं वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी और क्या रेट हमें मिलता है। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं खुद ले रहा हूँ, पहले तो अम्मी ले आती थी या घर से ले आते थे कोई ना कोई, तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद खुद आया हूँ छप्पड़ बाज़ार में कपड़े लेने के लिए। ये था जुगनी लगा दी है पार्किंग में, चलें सी भाई। हाँ, लाख हो गया। फाइनल अभी हम अंदर आ चुके हैं छप्पड़ में, पहले ये टाइलें नहीं लगी हुई थी, तो अभी टाइलें लग चुकी हैं, VIP माहौल हो चुका है यहाँ पे। रोड अभी भी ब्लॉक है, साइडों पे रेडी और स्टॉल काफ़ी आगे करके बढ़ाए हुए हैं इन्होंने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये 2750 दिए, ठीक हो गया। इसमें कपड़े की कोई फ़र्क है या की सीन है? मुझे तो ये भी नहीं याद है ये, फिर डार्क ले लेते हैं। वैसे डार्क कलर मेरे पास है नहीं, ये कलर इसमें और कौन कौन से हैं कलर है? वो सारे लगे हुए हैं। लास्ट में जो है एक ब्राउन, हाँ ये ब्लैक शेड, ये ब्लैक है या ब्लैक है, ये भी कलर अच्छा है बड़ा जैसी और एक ये की है
कपड़े 4 मीटर 4.5 मीटर 4.5 ठीक हो गया। फाइनल अभी हमने ड्रेस ले ली है, 2 शलवार कमीज़ें ली हैं काफ़ी मुनासिब रेट में, भाई ने हमें स्पेशल डिस्काउंट भी दिया है वो भी सिर्फ हसीब भाई की वजह से। हसीब भाई थैंक यू जी। नहीं जी नहीं, तालियां होनी चाहिए यार। हसीब भाई के ऑफिस में वहाँ पे थोड़ी देर गपशप लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। फिर रात को एक हमने इवेंट पे जाना है और काफ़ी ज़्यादा मज़े का इवेंट है, और अभी मेरे सामने सूरज सनसेट हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। और टाइम जो हो गया है ना वो 6:09 हो गए हैं। अभी कॉपीराइट का डर था कि मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है। FM 88 चकवाल 6:09 हो गए हैं। अभी फाइनल अभी हसीब भाई के ऑफिस में आ चुके हैं और यहाँ पे अभी बर्गर हसीब भाई ने मंगाए और फर्स्ट टाइम ये दुकान नई बनी है और फर्स्ट टाइम टेस्ट करने लगे हैं कि क्या क्या है साथ में। इतना छोटा बर्गर है? हाँ जी, ये छोटे छोटे बर्गर आजकल महंगाई की वजह से छोटे हो गए। श्रिंक तो हो गए। हाँ जी, ये फ्रेंच राइस है माशाल्लाह, ये 2 फ्रेंच राइस और साथ एक कोल्ड ड्रिंक है, आह मज़े। और बर्गर देखते हैं, ड्रिंक भी पुरानी देती है छोटी कोल्ड पुरानी। केचप से तो 2 ही दिए। एक दफ़ा ये बर्गर की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा बर्गर बनाया इन्होंने। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिंगर बर्गर हमने ऑर्डर किया था और कुछ इस तरह करके है जिंगर। और अभी ये केचप लगाते हैं, केचप लगा के ना उसके बाद खा के बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। केचप लगाया, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अंदर जो केचप यूज किया हुआ ना वो मिर्ची वाला है, वैसे ओके। One eternity later. सी भाई के साथ गपशप लगाई है और काफी मजा आया और कुछ टाइम वहाँ पे बैठे हैं, ऑफ कैमरा बातें की हैं काफी ज्यादा। अभी मैं देख के आ रहा हूँ कपड़े सिलाई होने के लिए और 5 तारीख को मुझे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत मुश्किल के साथ एग्री हुए हैं कि आपको कह रहे थे कि तकरीबन 16 तारीख को आपको मिलेंगे, मैंने कहा 16 नहीं, मुझे 5 तारीख को चाहिए यार हालत में। अभी मैं नौमी भाई की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके देखता हूँ कि क्या रूटीन है। नौमी भाई ने इन्वाइट किया हुआ था कि आपने आना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? जबरदस्त शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, सुनाएं क्या हाल है? ठीक है जबरदस्त शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम, सुनाएं शुक्र अल्लाह का बेहतरीन दुआएं। अपनी सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सुनाएं शुक्र अल्लाह का बेहतरीन दुआएं। 2000 years later. बकरा वे थल हासी
दिल है होसी पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा later काजी साहब को बड़ी दुआ दी थी बड़ी अच्छा थी बहुत ज्यादा ऐसी दुआ लगी है कि आप गुण के पांव धो धो के पीते हैं अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया अल्लाह दे हवाला ठीक है सर आप ठीक है मान लीजिए शाह जी कल 8:30 बजे ठीक है कल मेहरबानी ठीक है नुमान भाई ठीक है जी ठीक है सलमान भाई बड़ा खुशी थैंक यू मैं इनको भी एक दो हंसी ऑफ कर लूं उसके बाद मिलता हूं कल भी आ जाओ आज का व्लॉग यहां पे खत्म करते हैं दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार दीजिएगा जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें